करना है, आप लोग एंटर करना, बदलना घूमना बदलना, चिन्ह लगाना और शब्दों में लिखना आदि सीखेंगे। सबसे पहले आप लोग अपने पास कॉपी और पेन रख लें, इसके बाद आप सारे प्रश्नों को अच्छे से समझें। सबसे पहले छायांकित करना है, कोई आकृति बनी है और उसके भाग हैं तो हमें उसको छायांकित करना है। तो हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए इस आकृति के चार भाग हैं, 1 2 3 4 चार भाग हैं, जितने भाग होते हैं वो भिन्न के नीचे लिखा होता है। जैसे भिन्न होता है तो ऊपर का जैसे लिखा है अंश और नीचे का होता है हाथ। जितने आकृति के भाग हैं वो हर रूप में लिखे होते हैं, ठीक है, और जो भाग छायांकित करना है वो अंश रूप में लिखा होता है। हमारे कहने का मतलब है हमें छायांकित करना है आकृति को, तो भिन्न का जो ऊपर का भाग है अंश उसको देखना है। जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो इस आकृति में हमें 3 भाग में कलर करना है, इस तरह, समझ गए ना। इसी प्रकार हमें इसमें देखना है, ऊपर जितना लिखा है उतने भाग को हमें कलर कर देना है। यहाँ पे 4 लिखा होगा तो हमें यहाँ 4 भाग कलर करना है, 4 भाग में, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 लिखा है, यहाँ पे 1 भाग में कलर करना है, 2 भाग है तो नीचे 2 लिखा है, यहाँ पे 5 भाग थे 5 लिखा होता है, और ऊपर जितना लिखा होता है उतने भाग में हमें कलर करना होता है, तो यहाँ पे 1 भाग कलर करना है। इसके बाद दशमलव भिन्न में बदलना है, तो दशमलव भिन्न में बदलना है तो हमें क्या देखना है, अगर नीचे हर रूप में नीचे की संख्या 1 है और 1 के बाद 0 है तो हमें क्या करना है, 0 को गिन लेना है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 0 है, ठीक है, ऊपर कितना लिखा हुआ है 18, इसमें कितने अंक हैं 1 2 और 0 कितने थे हमें 3, हमें तो क्या करना है 3 0 है 3 अंक बाद दशमलव लगाना है पीछे से लेकर। तो यहाँ पे कितने अंक हैं गिनने का, 1 2 और तीसरा अंक है, तीसरा अंक नहीं है तो यहाँ पर हमें क्या करना है 0 रख देना है और उसके बाद दशमलव रख देना है। दशमलव अंक यहाँ पे 0 रखना चाहो तो रख दो और नहीं चाहो तो नहीं भी रखो, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए 1 है, 1 के बाद 2 0 है तो हमें क्या करना है, एक पहले तो संख्या लिख लेना है। अब यहाँ 2 0 है, पीछे से 2 अंक गिन लीजिए 1 और 2 दशमलव रख दीजिए, इसके आगे 2 लिखा है तो इसके आगे हम 0 रखने को जा सकता नहीं क्योंकि पहले से 2 लिखा है। यहाँ पे देखिए कितने 0 है, 1 2 3 4 5 0 है और यहाँ पे अंक कितने हैं 1 2, तो हमें क्या करना है जो अंक लिखा है उसको लिख लेना है। अब हमारे 0 की संख्या कितनी है 5, तो हमें यहाँ क्या करना है 5 अंक कर लेना है, तो 2 अंक तो है ही अपने पास, 3 0 रख लेना है, 1 2 3, अब कितने अंक हो गए अपने 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे हमें दशमलव रख देना है, इसके आगे 0 रखना है, समझ में आ गया सबको। हाँ देखो चिन्ह लगाना है, जो भिन्न बड़ी होगी उसका मुँह खुला होगा, ठीक है, और जो छोटी होगी उसका मुँह बंद होगा। तो हमें क्या करना है, इस भिन्न को देख रहे हैं, यहाँ लिखा है 7/9 और यहाँ लिखा है 5/7, तो यहाँ पे जो अंश रूप में संख्या लिखी है 7 और यहाँ पे हर रूप में लिखी है 7, ठीक है, यानी हमें क्या करना है आमने सामने का गुणा कर देना, जैसे 7 इधर है और इसकी 7 है तो 7/7 का गुणा कर देना है, और यहाँ पे देखो 5 है और यहाँ पे 9 है तो 5 और 9 का गुणा कर लेना है, तो 7/7 का किया 47 हो गया और यहाँ पे 9 का 5 हो गया 47 हो गया। अब हमें देखना है कि 45 में और 49 में कौन सा बड़ा है, 49 बड़ा है तो 49 किस तरफ का है, इस तरफ का है, तो इस तरफ की भिन्न बड़ी हो जाएगी, यानी इस तरफ अपना मुँह खुला होगा, इस तरफ बंद होगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें यहाँ पे 4 है, यहाँ पे नीचे 7 है आमने सामने, तो 4 का और 7 का गुणा, 7 का गुणा कर देना है, और इस तरफ कितना 3 है और यहाँ पे 5 है, 3 और 5 का गुणा कर लेना है, 7 चौक 28 हो गया और यहाँ 5 15 हो गया, यानी इन दोनों कौन सा बड़ा है, तो 28 बड़ा है, 15 छोटा है, तो 28 किस तरफ, इस तरफ का, तो बारी भिन्न बड़ी हो जाएगी इस तरफ, है ना। जिस पक्ष का बड़ा बड़ी संख्या हो, जिस पक्ष की बड़ी संख्या हो, जैसे इस पक्ष की इस तरफ की, तो यहाँ पे दिवाली भिन्न बड़ी हो जाएगी, कि हम लोग ध्यान रखें। अगर मान लीजिए दोनों पक्ष बराबर हैं, यहाँ पे भी 28 और यहाँ पे भी 28 है, तो हमें बराबर वेतन लगा देना है। अब शब्दों में लिखना, भारतीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हमने
पढ़ी है पिछले वीडियो में। अब इसमें दशमलव वाले आ गए शब्द में, हमें क्या करना है दशमलव को पहले की संख्या जो है जैसे भाग की पंक्ति में लिखते हैं लिख लेना, यहाँ पर 75 लिखा है तो हमें लिख लेना 75। अब इसके बाद दशमलव लिखा है लगा है तो दशमलव लिख लेना है दशमलव। अब दशमलव की बात की जो संख्या है उसको एक एक अंक करके लिखना है, जैसे तीन तो तीन लिखना है, दो दो लिखना है, पाँच पाँच लिखना है, हमें डायरेक्ट 325 नहीं लिखना है ठीक है। ऐसे यहाँ लिखो, यहाँ पर लिखा है 2752 तो यहाँ लिखना है 2752। अब यहाँ पर दशमलव दशमलव कितना लिखा 8 1 7 ये हो गया आपका, इस तरह करना है आपको ठीक है। अब आपको क्या करना है, यही सारी चीज़ें हमने यहाँ पे एडब्ल्यू में दी हुई हैं तो आप लोगों को एडब्ल्यू में करना है। पहले क्या करना है छायांकित करना है, छायांकित इसी तरह ऊपर की अंक को देखकर उनके भाग को रंग देना है, दूसरा दशमलव में बदल लिए जीरो गिनकर पीछे से अंक गिनकर दशमलव लगा देना है, और तीसरे बच्चे का भंडार तो आमने सामने का गुणा कर कर पता लगा लेना कौन सी घटबड़ी है, और चौथा शब्दों में लिखना इसी तरह दशमलव को उस तरफ के एक अंक को लिखना है, यहाँ पर जैसे लिखते हैं जैसे लिख लेना है, सबको समझ में आ रहा होगा। आप लोग अपना स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रोक कर एडब्ल्यू नोट कर लें कॉपी में और उसको घर पर प्रयास करना चाहिए।